पाकिस्तान है। 9 मई के मंसूबा साजों से कोई समझौता नहीं हो सकता, ISPR का वाज़ह मौकिफ। कहा, तोड़ फोड़ का मकसद खुद साख्ता और तंग नजर इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश थी। शरपसंद अनासिर ने बगावत की, जान बूझ कर रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया। पाक फौज ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मंसूबा साजों की घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। 9 मई के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। नौ मई से मुतालिक तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में PTI के बराह रास्त मुलविस होने का इंकशाफ। वजीर कानून ने निगरान दौर में बनने वाली कमेटी की रिपोर्ट काबीना इजलास में पेश कर दी। अरकान का मुलविस अनासर के खिलाफ मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा, कौम और तारीख सानहे 9 मई के किरदारों को कभी माफ नहीं करेगी, मुजरिमों को भूले हैं ना भूलेंगे। सानहे 9 मई को एक साल मुकम्मल, पाक फौज से यकजहती के लिए कौम सड़कों पर आ गई। कराची, फैसलाबाद, मुल्तान और नौशकी समेत कई शहरों में रैलियां, इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने तकरीब। तलबा का यूनिफॉर्म पहनकर पाक फौज से इजहार यकजहती। पेशावर रेडियो पाकिस्तान में बच्चों ने शमे रोशन की। सानहे 9 मई की मरकजी तकरीब जिना कन्वेंशन में होगी। बानी PTI ने इदारों के खिलाफ साजिश की, नौजवानों को इंतशार और तशद्दुद पर उकसाया। वो शख्स कुर्सी की खातिर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। वजीर तलासिन शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। कहा, सानहे 9 मई में मुलाविस अनासिर को हर सूरत सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की गजा में इसराइली जारियत की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गजा में औरतों और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मसला कश्मीर एक आलमी मसला है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा वकला की हड़ताल पर बरहम। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत की सरजनिश। कहा, हड़ताल की बातें यहां ना करें, हम इतने जुर्माने लगाना शुरू कर देंगे कि आप याद रखेंगे। कोई भी केस नहीं चला रहा, हर कोई बहाने बना रहा है। वकला का काम अदालत की मुआवनत करना है, ये भी जहमत नहीं करेंगे। केस की तैयारी भी हम करें, फिर फैसले भी हम ही करें। लाहौर में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ वकला ने आज अदालती बॉयकॉट किया है। गवादर के इलाके सुरबंदर में दहशतगर्दी, घर पर दस्ती बम हमला और फायरिंग। 7 मजदूर जहां भाग, ताल्लुक पंजाब के जिला खानेवाल से था। मक्तूलीन के अहले खाना गम से निढाल। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाकई को खुली दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का पीछा करेंगे, रियासती रिट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। जैकवाबाद पुलिस का कच्चे में ढानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। 8 से ज़ायद ठिकाने जला दिए, 10 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सिंध हुकूमत ने डाकू अमान ढानी के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी है। कश्मीर में डाकुओं का घर पर रॉकेट हमला, बच्चे समेत 3 अफराद जां बहक हो गए। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लाउंज में आग लगने से इमिग्रेशन सिस्टम मुतासर, परवाजें ताखिर का शिकार। हज परवाज भी उड़ान ना भर सकी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर आतिशजदगी की रिपोर्ट तलब कर ली। इमिग्रेशन काउंटर जल्द फाल करने की हिदायत। वस्ती और मशरकी अमरीका में हवाई बगोलों ने तबाही मचा दी, दरख्त उखड़ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी हो गए। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खतरा, दिन के दर्जा हरारत में 5 डिग्री इजाफे का इम्कान। 10 और 11 मई को जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशें मुतवक्के, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।